नमस्कार दोस्तों, चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अब तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने सारे मेथड्स से जिनसे सॉल्व करना सीखा, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। CFPI मेथड था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, उनको CFPI मेथड में चेंज करके तब सॉल्व करते थे। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले थे, उसमें चार मेथड थे, व्हेन द पार्ट ऑफ CF इज नॉन नॉर्मल फॉर्म और बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस तरीके के हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, बहुत सारे कॉल्स भी आ रही थी और बता कह रहे थे कि सीरीज सॉल्यूशन के वीडियोस कब अपलोड होंगे, तो वो आज हम सीरीज सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। एक्चुअल में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सेकेंड ऑर्डर की है, जो सीरीज सॉल्यूशन है वो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब तक हमने जितने भी सॉल्यूशन पढ़े वो सब के सब फंक्शन की फॉर्म में होते थे। फंक्शन की फॉर्म में मतलब कि साइन एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, ये सब आ गया। लेकिन आपको मालूम है साइन एक्स का, टेन एक्स का, कॉस एक्स का भी सीरीज फॉर्म होता है। तो अब की बार वो जो सॉल्यूशन आता था उसका फॉर्म हम बदल रहे हैं, उसका चेहरा हम बदलना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें सीरीज सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। सीरीज सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें पावर सीरीज जरूर पता होना चाहिए। पावर सीरीज किसी भी सॉल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। तो वी नो y इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट an x to the rn about the point, यदि हम a के लिए लेंगे तो वो हो सकता है कि y equals to summation n equals to 0 to infinite an x minus a to the power n ले। लेकिन हमारे लिए ये बहुत important part है, an x to the rn। यदि हम इसको open करें तो ये होगा a0, n 0 रखते हैं, a0 x to a0 1 होता है, plus a1x plus a2 x square plus a3 x cube प्लस ए फोर एक्स फोर एंड सो ऑन। इस तरीके की हमारी सीरीज होगी। ये भी इसे भी यदि हम ओपन करें तो ये भी ओपन हो सकती है, लेकिन हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं वो ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर एंड सो ऑन। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की होती है, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर की, प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। आपने पिछली वीडियोस में भी देखा कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की है, डी टू वाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, वेयर पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। इस तरीके का हो सकता है, वेयर पी क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं और वहां से हम यहां पर आएंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की करते हैं, लेट हम अज्यूम करते हैं P naught d2 y over dx2 plus P1 dy over dx plus Q1 y, और P इसे P naught इसे P1 इसको लिख सकते हैं हम P2 y equals to 0। suppose यहां पर 0 भी है, शुरुआत हम 0 से कर रहे हैं, लेकिन आगे हम कुछ भी फंक्शन ऑफ x, x square plus x plus कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं, बट अभी हम 0 से ले रहे हैं। तो यदि हम ये देखें कि इफ P naught एट x is equals to 0 जीरो ना आए, तो जो x इज इक्वल टू जीरो होगा वो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। यदि p नॉट x इक्वल टू जीरो पर जीरो ना आए तो x इज इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। ये जरूरी नहीं है हम a भी ले सकते थे, x की जगह जीरो ना लेके वन टू थ्री इनके लिए बात करते तो तब x इक्वल टू वन या x इक्वल टू a आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होता। यदि ऐसा है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसका नाम हमने नंबर वन दिया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा एक सॉल्यूशन। वो एज्यूम करते हैं y इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट ए एन एक्स टू दी पावर n, और दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको ए नॉट प्लस ए वन एक्स, वैल्यूज रखते चल रहे हैं, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर एंड सो ऑन। ये यदि हम इसका वाई डैश और डी वाई अपॉन डी एक्स सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, ए नॉट कॉन्स्टेंट है इसका जीरो, ये ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन दीज वैल्यूज। सेकेंड डेरिवेटिव विल बी डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल्स टू दिस वन, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन विल बी जीरो, टू ए टू प्लस सिक्स ए थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व ए फोर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन।
Now we have, this is the equation number 2, this is number 3 and this is number 4. We have 3 equations. We put all values in given equation 1. Given equation 1. After putting the value, we equate to 0 the coefficient of various powers of x. अब हम क्या करते हैं, various powers of x, जो भी आपके x के coefficients होंगे उन सबको हम 0 रखेंगे. 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड पार्ट में आपका 0 है इसमें, तो इसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब प्लस 0x4, तो हम 0 रख ले रहे हैं. अब इन सारी वैल्यूज को रखने के बाद, जब हमने कहा कि कोफिशिएंट को वेरियस पावर्स ऑफ x को कोफिशिएंट को 0 रखेंगे, तो वहां से a1 और a0 तो आर्बिट्रेरी होंगे, वो हम अज्यूम करते हैं. a2 a3 a4 a5 a6 ये सब की सब वैल्यूज आपकी या तो a0 की फॉर्म में आएंगी या a1 की फॉर्म में आएंगी. अब ये ध्यान रखिए कि यहां पर हमारे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जरूर रहे होंगे. यहां पर वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a0 और a1 की फॉर्म में आएंगे. जितने भी वैल्यूज होंगी, जो है आप a2 की बात करें, a3 की बात करें, a4 a5, वो सब के सब आपके या तो a0 की फॉर्म में आएंगे या a1 की फॉर्म में आएंगे. उसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी बताएंगे. तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी, मैंने कहा टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x टू गेट a2 a3 a4 इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1. तो मैं फिर से बोल देता हूं, जब हम इन तीनों वैल्यूज को y dy over dx dy over dx2 को गिवन इक्वेशन में, जो भी हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन थी, जो हम इसमें रखेंगे, इसके बाद क्या करते हैं, ये वैल्यू रखने के बाद हम जो भी एक्स के कॉफिशियंट्स हैं उन सबको जीरो रखेंगे, क्योंकि हमारा राइट हैंड पार्ट जीरो है. इस जीरो को लिखा जा सकता है जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स क्यूब. तो जब हम कॉफिशियंट एक्स के या एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब के कंपेयर करेंगे, तो वहां से हमारे ए टू ए थ्री ए फोर ये सब के सब या तो ए नॉट की फॉर्म में आ रहे होंगे या ए वन की फॉर्म में आ रहे होंगे. हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से शायद हमारे लिए ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए. आइए क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है हमारा d2y over dx2 plus xy equals to 0. सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि जो y डबल डैश है या सेकेंड डेरिवेटिव है उसका कॉफिशियंट, यहां तो 1 लिखा हुआ है, बट हम जानते हैं यदि हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद इक्वेशन, देखिए d2y over dx2, यहां पर p0 आप लिखते थे, प्लस p1 dy over dx plus p2y equals to 0 से करें, तो जो p0 आता है वो 1 है, और at x is equal to 0 जो p0 होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 आता है, 1 0 नहीं है, तो इस केस में आप x equal to 0 को ordinary point बताएंगे, this one will be ordinary point, और if x equal to 0 is an ordinary point, we assume y equals to summation n equals to 0 to infinite a n x to their n. This is equation number 1 which is given. 2, या तो आप ऐसे लिखें, बेहतर ये होगा कि आप इसे सीरीज फॉर्म में लिखें, क्योंकि यदि आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान है. यहां पर आसान है, लेकिन आगे आने वाले मेथड्स में हो सकता है कि हम इसी को फॉलो करें, लेकिन मैं यहां पर, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें मैं इस मेथड से बताता हूं कि आप y इक्वल्स टू लिखें a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस a5x5 एंड सो ऑन. यदि हम y डैश या dy upon dx की बात करें, वैसे हमें जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि इस इक्वेशन में dy upon dx नहीं आया हुआ, बट फिर भी हमें लिखना होगा, तभी हम y डबल डैश पे जाएंगे. तो ये वैल्यू होगी a1 प्लस 2a2x 3a3x स्क्वायर 4a4x क्यूब 5a5x4 एंड सो ऑन. y डबल डैश फाइंड आउट करते हैं, तो y डबल डैश की वैल्यू 2a2 प्लस 3a3, 3a3 नहीं होगा, 6 होगा, 6 a3x प्लस 12 a4
एक्स स्क्वायर प्लस 20 ए फाइव एक्स टू दी पावर 3 ये होगा एंड सो ऑन। अब देख लीजिए मैंने सही किया नहीं किया, ए वन का डिफरेंशियल 0, इसका 2a2, इसका 6a3x प्लस 3 4 12 a4x2 प्लस 5 4 20 a5x3 एंड सो ऑन। पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ सेकेंड, दिस इज सेकेंड, ये भी सेकेंड ही है, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, वैल्यूज ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन गिवन इक्वेशन वन एंड वी गेट, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, हम उधर लिखते हैं, उधर लिखने के लिए मुझे क्लीन करना होगा, होप आपने ये तो सब नोट कर लिया होगा। इसमें देखें यदि यहां पर इक्वेशन हमारे पास y डबल डैश प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, द वैल्यू ऑफ y डबल डैश इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ y डबल डैश, आइए लिखते हैं 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x2 प्लस 20a5x3 एंड सो ऑन प्लस x टाइम्स, व्हाट इज y, y इज a0 प्लस a1x a2x2 a3x3 प्लस a4x4 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट लाइन में हम x की मल्टीप्लाई इनसाइड करते हैं, 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x2 प्लस 20a5x3 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहा, प्लस अंदर मल्टीप्लाई की a0x प्लस a1x2, मैं यहां लिखता हूं प्लस a2x3 प्लस a3x4 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दो हमारे पास टर्म है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, इनको हम एक जगह लिखने की कोशिश करेंगे, जरा लिखिए, ये कांस्टेंट टर्म है 2a2 और कहीं भी ऐसा कांस्टेंट टर्म नहीं आया हुआ है, तो सिर्फ हमने पहले लिखा 2a2, यहां पर 6a3x है, यहां पर a0x है, यदि हम इसको 6a3 प्लस a0x ऐसा लिखते हैं प्लस यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यहां भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, 12a4 प्लस a1 into x square, नेक्स्ट करते हैं 20a5 x3 वाली टर्म ले रहे हैं प्लस a2 into x3, ये होगा। यदि नेक्स्ट की भी बात करें, यदि आपको याद हो कि डबल डेरिवेटिव में 20a5 था, यदि नेक्स्ट टाइम करते तो कितना होता उसको भी ले सकते हैं, बट मैं अभी नहीं ले रहा क्योंकि शुरुआत का क्वेश्चन है, यहाँ सिखाना है, तो इतना रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। देखिए 0 को आप ऐसे ना लिखे, आप ऐसे लिखिए 0 प्लस 0x प्लस 0x2 प्लस 0x3 एंड सो ऑन, ऐसे चलने दें। और यदि हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर कॉफिशेंट्स, ये कॉन्स्टेंट टर्म थी जो x के साथ नहीं है, यहाँ से देख लो तो 2a2 जो होगा वो आपका 0 आया, इससे हमने इसको कंपेयर किया तो 2a2 0, तो यहां से a2 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। नेक्स्ट देखें इसको x का, यहां पर कोएफिशिएंट x का ये है और यहां पर क्या है 0x, तो ये वाला भी 0 के इक्वल होगा, तो 6a3 प्लस a0 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से जो a3 की वैल्यू होगी ये माइनस a0 बाई 6 हो गए। मैं वीडियो के शुरुआत में बता रहा था कि आपकी जो वैल्यूज होंगी a3 a4 a5 या a2 इन सब की वैल्यूज या तो a1 की फॉर्म में होंगी या a0 की फॉर्म में होंगी। देखिए a3 आपके सामने दिख रहा है, यदि हम और आगे बढ़ें इसे देखें तो 12a4 प्लस a1, इसको हमें 0 लेना पड़ेगा, तो ये a4 की वैल्यू माइनस a1 बाई 12 ये आ जाएगा a4। आगे बढ़ें तो ये जो टर्म है हमारे पास ये एक्स क्यूब का कोफिशियंट है, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशियंट 0 है, तो ये होगा 20a5 प्लस a2 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू ऑफ a5 इज माइनस a2 अपॉन 20, और मत भूलिए कि a2 आपका 0 आ रहा था तो हमें यहाँ रखना होगा a5 0 आ गया क्योंकि आपका a2 0 है। तो हमारे पास a5 तक की वैल्यूज आ गई हैं, और भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि शुरुआत का क्वेश्चन है, इतनी टर्म्स इनफ हैं, इन सब को जो भी ये सब हमारे पास आई हुई हैं वी पुट द वैल्यूज ऑफ a3 इवन a2 a3 a4
एंड ए फाइव इन टू। तो टू इक्वेशन यहां पर थी, मैं यहां वापस लेके आ रहा हूं आपको, ये इक्वेशन नंबर टू थी हमारी, ये वाली, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये वाली भी हमारी टू ही थी, क्योंकि मैंने कहा था कि सिग्मा वाली भी लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो, हमने ये लिखा है। मैं यहां पर लिखता हूं फिर से, y इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर, ये फोर होगा, प्लस ए फाइव एक्स फाइव एंड सो ऑन। तो ए नॉट आर्बिट्रेरी है, ए वन भी हमारा आर्बिट्रेरी है, ए टू आपको पता है जीरो आया, ए थ्री कितना था देखिए, माइनस ए नॉट अपॉन सिक्स इन टू एक्स, ए थ्री था एक्स क्यूब, ए फोर आपका माइनस ए वन अपॉन ट्वेल्व इन टू एक्स फोर, ए फाइव आपका जीरो आ गया। नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। आप देखिए यहाँ पर ए नॉट कई जगह है, जहां जहां ए नॉट है वो देख लीजिएगा, यहाँ पर ए नॉट है, यहाँ पर ए नॉट है, और आगे भी आने वाले टर्म्स में भी हो सकता था, बट मैंने तो कुछ वैल्यूज निकालनी सिखाई आपको। अगले वाले वीडियो में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें हम ज्यादा वैल्यूज निकाल रहे होंगे, हो सकता है ए सेवन या ए एट तक हम सॉल्व कर रहे हो। तो हम ए नॉट लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, ए नॉट में ये वन, यहाँ वन माइनस वन बाई सिक्स एक्स क्यूब, और नेक्स्ट टर्म हो सकती है कुछ और आगे बढ़े। इसमें देखते हैं यहाँ पर ए वन है, एक्स भी है, यहाँ भी था ए वन, बट मैं पहले एक्स ए वन ही कॉमन लेता हूँ, यहाँ एक्स रहा, माइनस एक्स फोर अपॉन ट्वेल्व, मे बी नेक्स्ट टर्म कुछ आए यहाँ पर, एंड सो ऑन। ये जो वाई होगा ये सॉल्यूशन हमारा होगा, आप एक बात ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन ले रहे थे ये y डबल डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो था। यदि हम इसे सॉल्व करते, x दे रखा है वैसे तो, यदि हम इसे सॉल्व करते राइट हैंड पार्ट जीरो है और ये x ना रहा होता तो हम सी एफ पी आई मेथड से करते, तो पी आई तो यहाँ जीरो होता, सी एफ निकाल रहे होते, और जो सी एफ का रिजल्ट आता है वो सी वन इंटू समथिंग प्लस सी टू इंटू समथिंग, वो जो समथिंग फंक्शन की बात करते हैं वो फंक्शन शायद यहाँ पर कुछ फंक्शन की या सीरीज की फॉर्म में आ रहा है। ये ए जीरो सी वन का वर्क कर रहा है, जो ए टू है वो सी टू, ए वन है वो सी टू का वर्क कर रहा है, तो इस तरीके का कोई सॉल्यूशन रहा होता। लेकिन हम यहाँ पर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज की फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो डी टू आई और डी एक्स टू का कोफिशियंट है, जिसे हम पी नॉट बोलते हैं, वो एक्स इजल टू जीरो पर या किसी भी, यदि अबाउट द पॉइंट, यहाँ तो मैंने अबाउट द पॉइंट एक्सल टू जीरो लिया है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में एक्सल टू जीरो ना के एक्सल टू वन या एक्सल टू टू आ जाए, जनरली एक्सल टू जीरो के लिए आता है, और डिस्कस भी हम यहाँ एक्सएल टू जीरो के लिए करेंगे, लेकिन यदि आ जाए तो तब भी हमें देखना पड़ेगा कि एक्सएल टू ए पर क्या फंक्शन, वो पी नॉट आपका नॉन जीरो आता है, यदि नॉन जीरो आएगा तो वो पॉइंट, जैसा कि हम यहाँ बोल रहे थे एक्सएल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, और जब ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का होगा, वाई इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन, जहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सब हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हमें अननोन्स हैं हमारे फाइंड करने, और ए नॉट और ए वन ये हमारे लिए आर्बिट्रेरी हैं, क्योंकि दो हमें कॉन्स्टेंट्स तो जरूर ही चाहिए, और ए टू ए थ्री ए फोर ये सब की सब ए नॉट और ए वन की टर्म आएंगे। उसे करने के लिए वाई वाई डैश वाई डबल डैश जो भी आए आपका उसको हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन में पुट करने के बाद जो राइट हैंड पार्ट है जो जीरो लिखा हुआ है उसे जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स क्यूब इस तरीके से लिख लेते हैं। सपोज ये जीरो ना होता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होता, तो कॉफिशियंट टू ए टू तो वन के इक्वल हो रहा होता, और जो दूसरी आइटम है वो वन के इक्वल, क्योंकि उसके कॉफिशियंट उसके कॉफिशियंट के इक्वल होते, लेफ्ट हैंड के कॉफिशियंट राइट हैंड के कॉफिशियंट के इक्वल हो जाते, बट यहाँ पर ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सब के सब कैसे हैं आपके जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स क्यूब है, तो सारे के सारे कॉफिशियंट जो थे ये टू ए टू, इसको हमने जीरो रखा, यहाँ से ए टू जीरो आया, ये एक्स का कॉफिशियंट यहाँ पर ये था, इधर राइट हैंड में देखा तो एक्स का कॉफिशियंट जीरो था, इसको जीरो रख लिया, ऐसे हम सारे कॉफिशियंट को जीरो रखते चले गए और वहां से हमारी सारी वैल्यूज आई। ऐसा होगा जब हम ए सिक्स ए सेवन निकालेंगे तो वो ए टू ए थ्री ए फोर की टर्म में आएंगे, लेकिन हम ए थ्री ए फोर पहले सॉल्व कर चुके होंगे ए वन या ए नॉट की फॉर्म में, तो उसे रिप्लेस करके वो वैल्यू हमारी या तो ए वन की फॉर्म में आएगी या ए नॉट की फॉर्म में आएगी। जितनी भी वैल्यूज आ जाती हैं वो इक्वेशन नंबर टू, याद कर लीजिए इक्वेशन नंबर टू कौन सी है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर एंड ए फाइव एक्स फाइव। इसमें सारी वैल्यूज आप पेस्ट करते चले जाएगा, वो ए नॉट की फॉर्म में होंगी, ए वन की, ए नॉट वाली टर्म आप अलग ले लीजिएगा, ए वन वाली टर्म आप अलग ले लीजिएगा, इसके बाद जो हम देखेंगे वो हमारा एक फाइनल सॉल्यूशन होगा। होप आपको ये बात समझ आई होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि ऑर्डिनरी पॉइंट यदि है तो उसका सीरीज सॉल्यूशन कैसा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित हम ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए क्वेश्चन लेंगे, लेकिन वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा टर्म सॉल्व करेंगे। यहां पर सिर्फ हमने ए फाइव तक की बात की थी, वहां हो सकता है ए सेवन और ए एट की बात करें।
उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा होगा। ऐसे ही टच में बने रहिएगा और देखते रहिएगा मेरे चैनल को, जिसका नाम गेट मंथन है, और आप इससे ऐसे ही फायदा उठाते रहिएगा। धन्यवाद।